अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरन शहजाद और आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल खुरन शहजाद इंफॉर्मेटिव में। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा एक दोस्त है, उनके पास आप देख रहे हैं वीडियो में लेब्राडोर है और पिटबुल के पपी हैं और इन्होंने मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं और इनके पास ये नेवला भी है। तो अभी इनके ओनर से जकी भाई से बात करते हैं और इनके बारे में मालूम लेते हैं, पूछते हैं इनके पास और कौन से डॉग हैं और क्या क्या इनके पास ब्रीड है और इनको कितना तजुर्बा है हर चीज़ का। तो आए हम लकी भाई से मिलते हैं। सलाम वालेकुम लकी भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है करम भाई आपके? ठीक खैरियत से हैं आप? जी। लकी भाई, फिर आज हमें आप क्या दिखा रहे हैं? आज हम आपको दिखा रहे हैं एक लेब्राडोर डोबरमैन। डोबरमैन बच्चा मैंने पाला था, ये बहुत छोटा छोटा था, जितने ये बच्चे ना उतना ही एक बच्चा है पाला था मैंने अभी। हाँ। सही है। और ये अभी इतना माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया है। ये एग्रेसिव डॉग है, गुस्से वाला डॉग है। जी जी, ये गुस्से वाला गार्ड डॉग है, फुल हमारी रात को रखवाली कर रहा होता हमारे घर पे, पोल्ट्री घुसते हैं ना। तो ये आपने कितने मंथ का था जब आपने? ये एक महीने का था, 1 से 15 दिन का, जब मैंने इसको अपने पास रखा था तो अभी देखे माशाल्लाह से आपके सामने 7-8 महीने। तो बच्चों तुम्हारे साथ तो लड़ता नहीं है ना? नहीं नहीं है, किसी के साथ नहीं लड़ता। ये मेरा फिर रात के टाइम पे रखवाली वगैरह। तो जी, और भी लकी भाई आपके पास डॉग हैं? जी, और बहुत सारे हैं, जर्मन शेफर्ड भी है ओरिजिनल और लेब्राडोर भी है, अमेरिकन ब्रीड है लेब्राडोर की और डोबरमैन है। और कौन सा? पिटबुल भी? और पिटबुल भी है, पिटबुल के ये बच्चे भी निकले हैं, ये भी इधर लेके आया हूँ। ये पिटबुल के बच्चे भी 15 दिनों के देख सकते हैं ये आप। थोड़ा थोड़ा इसको पीछे करना लकी भाई, आप आ जाओ, ये किधर आ जाओ। जैसे आप देख रहे हैं इनके पास डोबर मैंने बहुत एग्रेसिव डॉग है, बहुत अच्छा डॉग है। रुक जाओ, बस रुक जाओ। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 15 दिनों के बच्चे हैं ये मेरे। तो लकी भाई, आपको इनकी मेडिसिन वगैरह का भी पता है? जी 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 जी, मेडिसिन का। तो ये बीमार वगैरह होते हैं तो इनकी? हाँ, ये मैं खुद ही करता हूँ मेडिसिन वगैरह, आप खुद इनको देते हैं? मैं खुद ही देता हूँ। तो आपको कब से डॉग पालने का शौक हुआ है? ये मेरे को अभी मतलब समझ लें, मेरे को आराम से हो गए 2-4-5 साल हो गए आपको? 5 साल हो गए। इसका मतलब कि बचपन से आपको शौक है डॉग पालने का? बचपन से मुझे डॉग पालने का शौक है। नेवला भी है, मैंने नेवले भी पाले हैं। ये बच्चे जरा आप करीब लाए, हम देखें बच्चे करीब। पिटबुल की अमेरिकन पिटबुल है? जी, अमेरिकन पिटबुल है, ओरिजिनल ओरिजिनल मेरे फार्म के कुत्ते हैं, मेरे फार्म पे बड़े इनके माँ बाप हैं। आपके पास फार्म पे भी डॉग हैं, आपने बताया कि जर्मन शेपर्ड भी है आपके पास, जर्मन शेपर्ड भी है। तो उसकी वीडियो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे आप। ये बच्चा देखें, आप देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत प्यारा सा बच्चा है, अमेरिकन पिटबुल है ये। दोनों नर हैं, ये मेल है और वो भी मेल है। तो लकी भाई, इनकी उम्र क्या है? ये 15 दिन है इनकी उम्र। 15 दिन? ये तो बहुत खूबसूरत है, व्हाइट कलर वाला। ये दोनों बच्चे मुझे प्यारे लगे थे। आपके पास जो डॉग है, सबसे ज्यादा आपको कौन सा डॉग पसंद है? मेरे को जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड बहुत पसंद है आपको? उसने आपने उसको यहाँ पर नहीं रखा हुआ? जर्मन शेफर्ड इधर आया था मगर वो बहुत ज्यादा डेंजरस था, मेरे घर वालों को परी समझे हैवी हो रहा था, इसलिए मेरे घर वाले डर रहे थे उस कुत्ते से ना, मैंने फार्म पे रखवा दिया। फार्म पे रख दिया। पर जर्मन शेफर्ड बहुत इंटेलिजेंट डॉग होता है, मेरे घर वाले सिर्फ डर रहे थे, बाकी कुत्ता हमारा नहीं कर रहा। नहीं नहीं, घर वालों सब फ्रेंडली था हर चीज का, मगर अब उसकी शक्ल देख के घर वालों को डर लग गया। हाँ, तो देखने से बहुत डरता है। जी डर लगता है जी जर्मन शेफर्ड से। तो आज मैं आपको नेवला भी दिखाता हूँ, नेवला भी मेरे पास है। तो गाइस, ये आप देख लें, पिटबुल का एक पपी ये है, मेल है, और ये लेब्राडोर है इनके पास, और ये इन्होंने अपने घर में मुर्गियां भी पाली हुई हैं, ये मुर्गी भी है, और यहाँ पर भी एक मुर्गी है जो ये अंडों पे बैठी हुई है। और ये क्या है? नेवला है? ये नेवला है। ये आपने कब से? बचपन से पाला? ये भी मैंने बचपन से पाला है इसको भी। अच्छा, मैंने इसको आपने ट्रेन वगैरह किया हुआ? हाँ, इसको ट्रेन किया हुआ है। ये लड़ता उड़ता तो नहीं, काटता तो किसी से नहीं? बिल्कुल नहीं लड़ता ये। अच्छा, तो अभी आपने इसको पिंजरे में बंद किया हुआ है? हाँ, अभी पिंजरे में बंद किया हुआ है। तो बाहर भाग जाएगा क्या? नहीं, भाग जब खोलते हैं, जब घूम फिर के फिर ये वापस आ जाता है जब इसको खोलते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया लकी भाई आपका इंटरव्यू देने के लिए और आपने अपना टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ आपके फार्म हाउस पे चलेंगे। आपने बताया कि आपके पास जर्मन शेपर्ड, पिटबुल और लेब्राडोर डोरे, तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो की कवरिंग करेंगे। जी 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 जी, और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, सही है, आपसे हम लेंगे। ओके ओके ओके।